तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं देहरादून अपने घर में अपनी जगह पे, और अभी सर मैं SGR PG कॉलेज के पास। तो सोचा था कि यार आज थोड़ा घूमेंगे, तो आज है संडे और डेट है शायद 7 तारीख। आज मेरे साथ शिवम शर्मा। तो दोस्तों दिस इज गौरव गौरी एज वेल एज EDS प्रोफेसर। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या सवाल करने वाले हैं। अरे शर्मा जी क्या देख रहे हैं? यहाँ पे SGR PG कॉलेज के पास कुछ मेला सा लगा हुआ है आज ना। कुछ कहाँ पे? यहीं पे पास में बिल्कुल बाहर कुछ आयोजन हो रहा है। तो क्या बोलते हो? मुझे लगता है कि देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। चलें क्या? हाँ चलो चलें। चलिए चल के देख। शर्मा जी हो क्या रहा है ये? अभी पता लगाने के इस तरीके का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना है, जो अंतिम छोर पर बैठे रहने वाली मेरी माँ के आंखों को पोंछने के सबसे पहले काम करता है ये नरेंद्र मोदी होता है। कौन कह सकता है कि कभी भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से और शौचालय की बात करे कि देश की आजादी के लिए 50-60 वर्षों 70 वर्षों बाद भी यदि मेरी माँ बहन को खुले आसमान के नीचे सौर के लिए जाना पड़ा है तो अभी मुझे देश की आजादी नहीं मिली, पहले मैं अपनी माँ बहन का सम्मान सुनिश्चित करूंगा, पहले उनको शौचालय दूंगा। दिया या नहीं दिया? हाँ या ना? नहीं दिया? हाथ खड़े करके दिया या नहीं? और ये कोशिश है कि अंतिम छोर तक भी यदि कोई देश 135 करोड़ लोगों का देश है। अभी जब विनोद भाई अभी नई शिक्षा नीति की बात कर रहे थे और 16 लाख स्कूल हैं, 1.9 करोड़ अध्यापक हैं और यहाँ के छात्रों की और 45,000 से 50,000 तक डिग्री कॉलेज हैं, और यदि यहाँ के छात्रों की जनसंख्या देखेंगे तो कुल अमेरिका की कुल आबादी जितनी नहीं है उससे भी ज्यादा हिंदुस्तान का छात्र छात्रा है। यह है देश का 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। और आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्री होने के नाते ये नई शिक्षा नीति बनाने का सौभाग्य मिला है। इस नई शिक्षा नीति में मेरे हरिद्वार लोकसभा के एक एक व्यक्ति का योगदान है, एक एक बच्चे का भी योगदान है, क्योंकि उसके आशीर्वाद से मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बना और उसी के बाद ये नई शिक्षा नीति आई। ये नई शिक्षा नीति को लेकर पूरे दुनिया में चर्चा है। जहां से लॉर्ड मैकाले निकला था और जिस लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया था, उसी कैम्ब्रिज ने अपना एशिया हेड बुला करके हमको न केवल सम्मानित किया बल्कि बोल दिया ये कि दुनिया की सबसे बड़े रिफॉर्म वाले शिक्षा नीति है, भारत में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए बदलाव होगा। तब जाकर के सड़क का निर्माण करवाऊंगा। हमने समाधान ने आज ये जो हो रहा है जिसका 43-44 करोड़ की लागत से होगा और जो यहाँ से हरिद्वार कब चला गया और देहरादून कब आ गया? कुछ बोलो ना, नाम क्या आपका? मुंबई की सड़कें जैसी नहीं है, वो आज मेरे उत्तराखंड की सड़क है। क्या नाम है आपका? है या नहीं है? धीरे क्यों बोल रहे लोग? अभी भी सड़कों पर चलने में आनंद नहीं आ रहा है क्या? आप देख रहे हो बच्चे है ना? बच्चे भी बिल्कुल मजे ले रहे हैं पूरे। संडे उनका फंडे हो रखा है। 12,000 करोड़ रुपया सोच नहीं सकते ये कांग्रेस के लोगों को। मैं कहता हूँ ये तो चक्कर आ जाता है, घूमते बोलते 12,000 करोड़ चक्कर आ जाता है, नीचे गिर जाते। सोचा भी नहीं था इन्होंने, ये केवल भाषण देते थे। शर्मा जी को चक्कर आ, ये मेरा फ्री विद्युत कनेक्शन मैंने शादाब को कहा।
कैमरा देना, कैमरा देना। हमने 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 स्कूल बना दे अपना है उदाहरण है दुनिया का, ध्यान से देखो। हमने बनाया समय पर परीक्षा करवाई, नीट की परीक्षा करवाई। सागर सही है ना, नीट की परीक्षा पूरी दुनिया काल की सबसे बड़ी परीक्षा कराई नीट। ओ भाई और बेटा मौज कर दी, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। दोस्तों शराब सॉरी सम्राट दवा खाना शराब छुड़वाए, ठीक है। बाकी कुछ बीमारी होती है, स्वप्न दोष ऐसे कुछ भी, तो सबका इलाज भी होता है। तो हाल फिलहाल अपन लोग तो बस मस्ती करने निकले थे, रैली मिल गई थी, रैली पर अपन लोग घूमाए, ठीक है। जहाँ पे HRD मिनिस्टर निशंक थे और विधायक विनोद चमोली थे, सुनील उनियाल गामा हमारे देहरादून के मेयर, वो भी वहाँ पे थे। लोग वहाँ पे थे, जनता वहाँ पे थी, बच्चे वहाँ पे थे, झंडे वहाँ पे थे, डंडे वहाँ पे थे, शर्मा जी वहाँ पे थे, गौरव जी वहाँ पे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे पर हमें चले गए। तो अभी हम लोग आज का दिन तो करने वाले हैं बर्बाद, ठीक है, क्योंकि मैं श्रीनगर से देहरादून आया हूँ, तो आज का दिन तो बर्बाद करना है। देखते कैसे हम बर्बाद करने वाले हैं। यही वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल गुजारे हैं, पटरियों पे हकते हुए नहीं, ठीक है। कोशिश तो हमने बहुत करी लेकिन शर्म आ जाती थी, कई बार पकड़े ना जाएं, पैंट पकड़ के भागना पड़े, तो वैसे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे सोते हुए बहुत टाइम गुजारा है। तो दोस्तों अभी ये देहरादून रेलवे स्टेशन का बैकयार्ड है, अभी बोल के पीछे का इलाका है, पिछड़े का इलाका है। सो हैप्पी रोज डे टू यू ऑल, ठीक है। अगर आपको गुलाब के फूल देखने हैं तो आपको सुबह सुबह 4 बजे 3-4-5 बजे आपको रेलवे की पटरियों पर आना पड़ेगा, आपको गुलाब के फूल देखने को मिलेंगे, आपको रोज़ देखने को मिलेंगे। अभी नहीं समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुबह आओगे तो पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मेरे पीछे ट्रेन जा रही है, तो अगर आप में से कोई अवसादग्रस्त है, कोई अपनी ज़िंदगी से परेशान है, तो आप उस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं, इंजन हमने आपके लिए मंगवाया है, ठीक है। आप समझ रहे हो, घूमने के लिए बोल रहा हूँ, मरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, घूमने जाओ, ठीक है, ट्रैवल, ठीक है। Ending something is never a solution. You are creating problem for some, like for more people. आप औरों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ create करते हो। घूमो यार, चिल करो, जैसे चिल करने लायक जिंदगी है नहीं। भाई शर्मा जी मेरा BTS कर रहे हैं, बिहाइंड से ले रहे हैं मेरी, मतलब BTS का फुल फॉर्म ये नहीं है, बिहाइंड से सीन कर रहे हैं मेरा। और अभी शर्मा जी बताएंगे कि लाइक ही हैज सम मेमोरीज विद देहरादून रेलवे स्टेशन, तो अभी वो आपको बताएंगे कि व्हाट मेमोरीज ही आर हैज। सो मेरे साथ हैं शर्मा जी के बेटे जिन्होंने लगभग हर एक इंजीनियर की लाइफ ख़राब कर रखी है, क्योंकि ताने पड़ते रहते हैं कि शर्मा जी के बेटे से कुछ सीखो। सो मेरे पास है शर्मा जी के बेटे शिवम शर्मा जी। तो ही हैज सम मेमोरीज विद देहरादून रेलवे स्टेशन ऑफ 7 February 2020। तो 7 फरवरी ठीक एक साल पहले की नहीं, कुछ यादें हैं तो अभी सर बताएंगे कि क्या वो यादें हैं। दरअसल हुआ ये था कि पिछले साल 2019 के 10 नवंबर को ये यार्ड रिमॉडलिंग की वजह से बंद हुआ था रेलवे स्टेशन, और 7 फरवरी 2020 को ये खुला था, वो लास्ट डे था, 8 फरवरी 2020 को खुला था। और मैंने इस पर एक कविता लिखी थी, क्योंकि ऐसा हुआ था कि मेरे साथ ना कि मैं इसे बहुत मिस कर रहा था, ट्रेनों का संचालन बिल्कुल बंद हुआ था, और मुझे ना लगातार 6-7 दिन तक लगातार सपने आ रहे थे ट्रेन के। कभी मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, कभी ट्रेन को चलते हुए देख रहा हूँ, कभी इंजन को चलते हुए देख रहा हूँ, कभी मैं रेल की पटरियाँ देख रहा हूँ, तो ये लगातार मुझे ना सपने आ रहे थे। तो मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैं इस पर कविता लिखता हूँ, तो मैंने कविता लिखी थी और मैंने पिछले साल इसे अपलोड कर दिया था उस कविता को। और कमाल की बात यह है कि एक साल हो चुका है उस कविता को लिखे हुए, और मैं आजकल उसे मिस भी कर रहा था, मैं देखने भी वाला था, तो देखा कि 7 फरवरी 2020 जो है, 7 फरवरी 2020 वो आखिरी दिन था इसके बंद होने का, 8 फरवरी 2020 से खुल चुका था।
और हालांकि उसके बाद कुछ और अन्य कारण की वजह से थोड़ा सा बंद रहा, क्योंकि कोरोना वायरस फैल गया था तो उस वजह से समस्या आई। लेकिन ये है कि मैं इसे लगातार मिस कर रहा हूँ। और हाँ, कमाल की बात, एक और बात बताता हूँ मैं आपको, कि आज भी मुझे सपना आया था कि मैं ये जो रेल की पटरियाँ हैं, मैं इतनी ही दूरी पर खड़ा हूँ और ट्रेन को जाते हुए देख रहा हूँ, यहाँ से ट्रेन जा रही है वहाँ से यहाँ। और इत्तेफाक की बात यह है कि गौरव जी मेरे साथ हैं और हम दोनों यहाँ पे आ रखे हैं आज। और हालांकि वो सीन तो नहीं देख पाए कि ट्रेन जा रही है इतनी नज़दीकी से, लेकिन ये है कि लगभग सपना पूरा ही हो चुका है। तो मेरे लिए अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है ट्रेन को देख के, रेलवे लाइन को देख के, रेलवे स्टेशन को देख के, हमारे देहरादून के रेलवे स्टेशन को देख के। तो मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पे आके हमेशा ही मुझे खुशी होती है। और कमाल की बात यह कि जो गौरव गोरी थी उनको भी ट्रेन बहुत पसंद है, हालांकि बहुत अभी उन्होंने इतना जिक्र नहीं किया है इस बात का, लेकिन हाँ वो जिक्र करेंगे। तो आप गौरव गोरी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आगे? दिखाना चाहेंगे, हाँ क्या दिखाना चाहेंगे पीछे का? देहरादून का नया बोर्ड लगा है जिसमें संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। संस्कृत में नहीं लिखा है। इंजन आ रहा है। शर्मा जी की यादें करीब से। अरे ट्रेन खत्म हो गई, इतनी छोटी ट्रेन, टू सीटर है क्या? तो इस वक्त अभी हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर है, रेलवे स्टेशन के अंदर है अभी, और चाय ले रहे हैं शर्मा जी। शर्मा जी चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, तो वही बताएंगे। ठीक है, तो मैंने पूछा कि आप क्या बनाते हैं, तो बोले हम चाय नहीं बनाते, हम बनाते हैं, समझ लो क्या बनाते हैं। शर्मा जी देखते हैं क्या ला रहे हैं, क्या ले रहे हो शर्मा जी? ये तो आप पे निर्भर करेगा, बोल दो। चाय हम लोगों ने ले ली है और शर्मा जी ने पार्ले जी वाले बिस्किट बचा रखे थे, बहुत गंदी तो नहीं, अच्छी हरकत है, पर बिस्किट देखो कितने बचा रखे हैं, कितने से हैं, दो दिन दिख रहे हैं, कितने गिन के हिसाब से, कितना, तीन चार, एक दो तीन चार है और पांच है मेरे पास। चाय भी देखते हैं कैसी है। शर्मा जी आप एक बार ट्यूटोरियल बता सकते हैं कि कैसे हम एक, ये क्या है, चाय के साथ बिस्कुट कैसे खाया जाए, ऐसे खाया जाए? नहीं, ये तो मैं बड़ा टेस्ट कर रहा था कि चाय का टेस्ट कैसा। अच्छा, देखिए ये ट्यूटोरियल में मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे साथ थोड़े से हादसे हो चुके हैं। तो अभी एकदम मस्ती चाय पीने के बाद निकल चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं अपना नया बोर्ड ऑफ देहरादून। आ गया क्या? देहरादून मेरा खून मेरी जवानी मेरा जुनून, ठीक है। सो दिस इज देहरादून, और चाय थी बड़ी मस्त। अभी चलते हैं आगे, पानी आज का दिन और कैसे बर्बाद करने वाले। अगर आपको गुलाब देखने हैं तो आप पटरी पर आ सकते हैं सुबह 4 बजे, आपको देखने गुलाब, समझ रहे हैं। हैवी ड्राइवर देखते हैं पटरियों पर सुबह 4 बजे, समझ रहे। मोर खुशबू आती है गुलाब की, गुलाब की खुशबू। चलो आगे, चलो यहाँ मत देखो सालो, आगे देखो।